नोटेज बुक करना था सर। आपने बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, नोटेज बुक करने आए हैं। नोटेज के फंक्शंस भी बहुत अच्छे हैं। आपने ऑनलाइन रिव्यू भी चेक किया होगा ना सर? ऑनलाइन चेक किया था मैंने कि अभी एप्पल का आ रहा है एप्पल 10 और ये नोटेज दोनों आगे पीछे लॉन्च होना है, तो ये दोनों के बारे में मैंने देखा कि किसका प्रोसेसर ज़्यादा है, किसके अच्छे फंक्शन है, किसका अच्छा डिस्प्ले है, किसका अच्छा रैम है, कैमरा है, एक्स पेन है। तो ये सैमसंग A10 पे कुछ नया ऐसा कुछ कर रहा है, एस पेन जो लाइट चलने वाला स्क्रीन बड़ा है, HD है, तो वायरलेस चार्जर है वगैरह वगैरह। तो इसकी प्राइस भी एक चीज बजट में ही है, इसलिए प्राइस भी एक बजट में ही है। तो इसके कंपेयर में एप्पल करने जाइए ना तो कुछ जमेगा नहीं। स्क्रीन भी समझो थोड़ा छोटा और उसके बावजूद भी प्राइस भी ज्यादा है। तो मतलब आपके प्राइस कंपैरिजन में आपको नोट बहुत अच्छे फीचर्स मिले। हां, नोट 8 में ना फीचर अच्छे और आज तक मैंने पूरा नोट सीरीज यूज किया है। आपने नोट सीरीज ही यूज किया है? इसके अलावा मैंने कुछ लिया है। आपने कुछ रिव्यू किया है? मतलब अपनी टेनिक्स क्या टेनिक्स में आपको क्या दिखा? और नोट 8 मैं एक महीने से इनका वीडियो मैं देख रहा हूं कि कौन सा लूं मैं, बेटर कौन सा लूं। मुझे एक स्मार्ट अच्छा सा फोन लेना था कि मैं एप्पल 10 लूं या फिर नोट 8। मैं श्योर कंफर्म होके मैंने डन नोट 8 पे किया। आपको क्या पसंद आया नोट 8 में? नोट 8 में उसकी स्क्रीन पसंद आई और दूसरी बात में वो एक्स पेन जो अभी जो नया निकाला था वो पसंद आया। तीसरी बात उसका कैमरा, ट्रू ड्यूअल कैमरा। सैमसंग नोट 8 फर्स्ट टाइम नोट सीरीज में सैमसंग में ट्रू ड्यूअल कैमरा आ रहा है जो आपको बहुत ही पसंद आया। और जो बैग में जो सेंसर दिया है जो कैमरे वो पसंद आया। हां, वही है ट्रू ड्यूअल कैमरा जो कि डिजिटल कैमरा और एक ऑप्टिकल कैमरा है। और इसका डिस्प्ले और इसका जो रैम है स्विच है, हां ये भी मुझे अच्छा लगा कि ये टाइम पे कुछ रैम वगैरह बढ़ के मिल रहा है। और आपको सर एस पेन में क्या, जैसे अभी आप नोट सीरीज यूज करते थे तो जो नोट 8 का एस पेन है इसमें आपको क्या बेहतर है, क्या ऐसा लगा, क्या इसमें कुछ लाइव आ रहा है, नया आ रहा है, नई चीज क्या है? वो जो लाइव जो लिख के अपन समझो सामने वाले के लिए, हां लाइव मैसेज, यस हां वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर सामने वाले को भी अगर अपन कुछ भेजते हैं तो उसके सामने भी लाइव, मतलब आपके फीलिंग्स जो है आप डायरेक्टली लाइव शेयर कर सकते हैं कि आपको अच्छा लगा। पहले आपके जो नोट सीरीज स्टेप में ये नहीं था, ये नहीं। तो एज कंपैरिजन टू नया आईफोन 8 आईफोन 10 दिया देखा और नोट 8 और नोट 8 ओल्ड सीरीज, तो आपको नोट 8 बहुत ही पसंद आ चुका है। मुझे बहुत पसंद आया इसके लिए मैं नोट 8 बुक कर रहा हूं। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। आपका नोट 8 बुक करते हैं। आपका गुड नेम? नासिर। नासिर, तो हमारे साथ है नासिर भाई जो नोट 8 बुक करने आए हैं, जो नोट 8 और आईफोन 10X जो आ रहा है उसका रिव्यू चेक करके आए थे। उसके एज कंपैरिजन में एक महीने से वो चेक कर रहे थे, तो एक महीने के बाद वो जब प्रीबुकिंग स्टार्ट हुआ है हमारा और वो नोट 8 प्रीबुक करने आए सैमसंग स्मार्ट कैफे में, तो उनके एज कंपैरिजन में आईफोन और नोट 8 सैमसंग नोट 8 के कंपैरिजन में उनको आईफोन से बेहतर नोट 8 लगा है, क्योंकि सैमसंग इज ऑलवेज बेस्ट, जो वो बताएंगे आपको। सैमसंग है ना, सैमसंग की नोट सीरीज कुछ अलग ही है। मैंने स्टार्ट से नोट 8 नोट के जितने भी फ़ोन आए, नोट 1, नोट 2, फिर नोट 3, नोट 4, नोट 4 एज, नोट 5, नोट 7, सारे चीज़ें मैंने यूज़ किया है। तो अभी मुझे कुछ लेना था अलग स्मार्टफोन भारी अच्छा सा, तो मैं यस 8 प्लस भी आया था तो मैंने नहीं लिया, तो मैं थोड़ी देर रुका हूँ इसके लिए कि मुझे नोट 8 ही लेना है। तो मैं एप्पल के वीडियो भी देखा हूँ और एप्पल 10 मैक्स भी आने वाला है, तो मुझे वो नहीं लेना है, मुझे नोट 8 ही लेना है। कारण नोट 8 अलग ही चीज़ है, ये नोट सीरीज कुछ अलग ही है, ये अपना एक्सपीरियंस है और मैंने यूज़ करके भी इसको देखा है। थैंक यू सर, इस वजह से मुझे नोट 8 ही लेना। थैंक यू चूजिंग सैमसंग। थैंक यू सर।